अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ओहो, सासाराम, चलिए चलिए हम मदद करते हैं। हाँ, चलिए हम मदद करते हैं। हाँ। आप लोग चलिए, सामान हम लाते हैं। जाइए आप जाइए। चल बेटा। गुड़िया, चलिए बेटा चलिए। लाइए मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। मैं लेता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। लाइए मुझे दीजिए। भाई सासाराम आ गया है। पानी वानी ले लो, अगले स्टेशन पर पानी वानी नहीं मिलने वाला। यहाँ रख दे, आप जाइए, मैं यहाँ देखती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए मेरी गुड़िया। अरे ये पानी का लोटा। मेरी चुनिया। देख लीजिए सारा सामान। हाँ। जी भाई साहब। अच्छा नमस्ते। अच्छा बाबू जी, नमस्कार। चोट तो नहीं लगी ना? जल्दी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मैं। क्या पंडित जी, आपको तो हम लोग डरपोक समझ रहे थे, आप तो बड़े बहादुर निकले। तू ठीक है ना बिटिया? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तू। मेरी चुनिया को ध्यान से रखना, रख लो, लो। वो मुसलमान था, वो डरा हुआ इंसान था, हम सब हिंदू थे, इसीलिए वो झूठ बोला, मगर बहुत बड़ी सीख दे के गया। अपना ख्याल रखना। मुमताज, क्या हुआ बेटा? शेरपुर के हिंदुओं ने हमला बोल दिया, वो यहीं आ रहे हैं, हमें जान से मार देंगे, हमें बचा लीजिए अम्मा जी। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, चलो सब अंदर चलो, चलो जल्दी, चलो चलो अंदर चलो, जल्दी आओ। मिकू काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए नहीं, लेकिन अंदर जाइए और कुंडे लगा लीजिए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा, आप भी उनके साथ अंदर जाइए, मैं बाहर दरवाजे पर खड़ी रहूंगी।
मुसलमान को बचाती हो? इंसान हूँ बेटा, इंसानों को बचा रही हूँ। वो इंसान नहीं हैवान है, सामने से हट जाओ वरना चोट खा जाओगी। भले ही मार दो मुझे, पर जब तक जिंदा हूँ ना, तुम सबको हैवान नहीं बनने दूंगी मैं। ये गांधी की चेली है, ये नहीं मानेगी। तो देख क्या रहा हूँ साथियों, मारो इस बुढ़िया को। हम सब यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, आइए, अम्मा जी को देखिए, इन्होंने हमारी जान के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी। अब हमारी बारी है, हम भी किसी का एक बूंद खून नहीं बहने देंगे। चाची, खून खराबा बंद करो, बंद करो मेरे बच्चों, नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। फेंक दो हथियार, एक दो सावित्री, सावित्री। तुम्हारी माँ हिंदुओं की लाठी से मरी, मगर सच कहें तो न हिंदू न मुसलमान उसको नफरत की आग ने मार दिया। कुछ रोज पहले तुम्हारी मां ने कुछ लिखा था तुम्हारे लिए, बेटा कैलाश और बहू सदा सुखी रहो, हो सकता है किसी दिन तुम्हें अपनी अभागी मां की याद आ जाए और तुम घर लौट आओ, पर तब पता नहीं मैं जिंदा रहूं ना रहूं, इसलिए जो तुमसे कहना है वो यहां लिख रही हूं। बेटा, हमारे देश को बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आजादी मिली है, इसकी हिफाजत करना अब तुम जैसे नौजवानों और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। आजकल देश में धर्म के नाम पर जिस तरह खून बहाया जा रहा है, उसे सुनकर मन बहुत दुखी रहता है। बेटा, हर धर्म एक शिक्षा देता है, सबको प्रेम करो, सबकी मदद करो, सम्मान करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, लालच मत करो, ये मूल शिक्षाएं कोई नहीं मानता। सब अपने अपने कर्म कांडों में बटकर नफरत की दीवार खड़ी कर लेते हैं। तू ऐसा मत करना बेटा, मैं जानती हूं तू बहुत धार्मिक है, और जो वास्तव में धार्मिक होगा वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा इंसान जो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग से प्रेम करेगा, सम्मान करेगा। यही एक रास्ता है बेटा देश को आगे ले जाने का, यही गांधी जी सिखाते हैं। तुम इसी रास्ते पर चलना बेटा, लोग मर जाते हैं, उनके विचार नहीं मरते, तुम गांधी जी के विचारों को हमेशा जिंदा रखना, वरना ये देश मर जाएगा।